हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल बीइंग स्मार्ट विद अस। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। टू वार्न शिप्स, दो शिप्स हैं, फोर अंडर वाटर रॉक्स, अ लाइट हाउस स्प्रेड्स अ रेड कलर्ड लाइट ओवर अ सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री। जैसे पानी के अंदर शिप चल रही है और वो ऐसे लाइट को फेंक रही है आगे की तरफ और ऐसे ऐसे रोटेट हो रही है, तो कितने एंगल में वो लाइट कवर हो रही है? 80 डिग्री एंगल में। तो क्या सेक्टर बनेगा? जैसे ये शिप जा रही है तो ये ऐसे लाइट को स्प्रेड कर रही है, यहां से लाइट चली और वो ऐसे लाइट को स्प्रेड कर रही है 80 डिग्री एंगल पे। अब आगे, टू अ डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर, और कितने डिस्टेंस तक? 16.5 किलोमीटर तक। और आगे क्या गिवन है? Find the area of sea over which the ships are worn। मतलब कहां तक वो ship underwater rocks को देख के बता रही है, हमको वॉर्न कर रही है कि यहाँ पे रॉक है या नहीं है। तो इतने एरिया में से वॉर्न कर रही है ना हमको कि यहाँ पे कोई खतरा है या नहीं है, तो इसका एरिया निकाल के बता दो। तो लिखो ओ ए बी, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। अब इनकी वैल्यू पुट कर दो, थीटा कितना है मेरा 80 अपॉन 360। अच्छा, पाई की वैल्यू मुझे इसमें गिवन है, पाई की वैल्यू 3.14 क्वेश्चन में देखो गिवन है, तो ये हो जाएगा पाई 3.14 इंटू मेरे रेडियस का स्क्वेयर 16.5 इंटू 16.5। अच्छा, पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 और इसमें भी नीचे 100। अब इसका 0 से 0 कट, 4 से कट करो, 4 टू जा 8, 4 9 जा 36, और कोई किसी से कट रहा है? इसको काट दो 5 से, 5 3 जा 15, बचा 1, 5 3 जा 15, और ये कट जाएगा 5 2 जा 10, 2 से 2 कट। और आगे देखो, अब इसको 5 से काट दो, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, और 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, और बचा 1 और 4, 2 7 जा 14, इनको 3 से काट दो, 9 से ही कट जाएगा, नहीं 3 से, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, क्लियर? ऊपर आ गया 157, 157 इंटू 11 इंटू 11, और 11 इंटू 11 होता है 121 अपॉन नीचे 100 बचा है सिर्फ। सो 157 की 121 के साथ मल्टीप्लाई करो, 157 इंटू 7 टू जा 14, 5 टू जा 10 और 1 11, 2 1 जा 2 और 1 3, 157 ये आ गया 7, 5 और 4 9, 7 8 9, 5 और 3 6 7 8 बचा 1, 18997, और अपॉन 100 था तो उसका दो डिजिट के आगे पॉइंट आ जाएगा, 189.97 किलोमीटर का स्क्वायर, क्योंकि यूनिट थी मेरी किलोमीटर। समझ आया? ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13। अ राउंड टेबल कवर, एक गोल टेबल कवर है, कवर हैज 6 इक्वल डिजाइंस एज शोन इन फिगर, और मुझे फिगर में गिवन भी है, उस टेबल कवर पे 6 इक्वल डिजाइन बने हुए हैं। और कैसे बने हुए हैं देखो अपनी बुक में, ऐसे ये 6 इक्वल डिजाइन बने हुए हैं ऐसे, ये इस तरह से 6 इक्वल डिजाइन बने हुए हैं, ये इसका सेंटर। अब आगे देखो, इफ द रेडियस ऑफ कवर इज 28 सेंटीमीटर, और मुझे इसका रेडियस कितना गिवन है 28 सेंटीमीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट रेट ऑफ रुपीज 0.35 रुपीज 0.35 पर मीटर स्क्वायर। इस डिजाइन को एक मीटर स्क्वायर बनाने में 0.35 रुपीज लगते हैं मुझे, यूज अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 1.7, और अंडर रूट 3 मुझे यूज करना है 1.7 बस। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन
एट दिस रेट, मुझे कॉस्ट निकालनी है इस डिजाइन को बनाने की। तो डिजाइन है कितने में से, ध्यान से देखो, डिजाइन इस सेगमेंट में से है ना, इस सेगमेंट में से है, इस सेगमेंट में, इसमें, इसमें और इसमें सारे इक्वल है, तो एक सेगमेंट का एरिया निकाल दो और इनटू में सिक्स कर देना, क्योंकि टोटल सिक्स है, एक का निकाल दो इनटू सिक्स कर देना, ठीक। तो इसका एरिया आ जाएगा, फिर आगे कॉस्ट निकाल देंगे। तो पहले इस एरिया ऑफ सेगमेंट ओ ए बी, इस सेगमेंट का एरिया निकालो, एरिया ऑफ सेगमेंट जो इस कोर्ड ए बी के कोरस्पोंडिंग है, एरिया ऑफ सेगमेंट कोरस्पोंडिंग टू कोर्ड ए बी, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट लिखो, क्वेश्चन नंबर 13। सो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट कोरस्पोंडिंग टू कोर्ड ए बी इज इक्वल टू, क्या होगा सेगमेंट का एरिया, सेक्टर के एरिया में से इस ट्राइंगल का एरिया हटा दूंगा, दिस विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ओ ए बी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। तो अब इसे निकालने के लिए ध्यान से देखो, मेरे पास एंगल नहीं है, रेडियस तो है इस सेक्टर का, सेक्टर का एरिया निकालने के लिए, पर एंगल नहीं गिवन। तो ये एंगल पूरा कितना होता है 360 डिग्री, और ये डिवाइड कितने में, अगर ये भी हो, इन सब को भी मिला दो, तो टोटल कितने पार्ट्स में डिवाइड है, 1 2 3 4 5 6, सिक्स पार्ट्स में डिवाइड है। तो एंगल कितना आएगा, थीटा विल बी इज इक्वल टू 360 बाय 6, 6 1 6 6 6 36 0, तो ये आ गया एंगल 60 डिग्री। अब मुझे ये बताओ, ये 28 सेंटीमीटर है, तो ये भी 28 सेंटीमीटर होगा, तो लिखो दिस विल बी इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। अब हम क्या करते थे, जब ये एंगल 60 डिग्री गिवन होता था, इस ट्राइंगल को इक्विलेटरल ट्राइंगल प्रूव कर देते थे, और इक्विलेटरल प्रूव होते ही मैं इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला लगा सकता हूं, अंडर रूट 3/4 a², ठीक। तो पहले इसको इक्विलेटरल प्रूव करो, लिखो लिखो इन ट्राइंगल ओ ए बी, इन ट्राइंगल ओ ए बी, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इंप्लाइज एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ बी ए। अब ब्रैकेट में रीजन लिखो, बिकॉज एंगल, एंगल्स कोरस्पोंडिंग टू, एंगल्स कोरस्पोंडिंग टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, कोरस्पोंडिंग टू इक्वल साइड्स, टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो ये एंगल मेरे इस एंगल के इक्वल आ गया, और इस एंगल को ले लो एक्स, तो ये भी एक्स, तो ये दोनों एंगल किसके इक्वल ले लिए मैंने, एक्स के। यहां तक किसी को कोई डाउट, अब आगे देखो, बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल ओ ए बी क्या हो जाएगा, 60 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, सो 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 60, ये 60 उधर ले गया, और x प्लस एक्स 2x, तो मेरा x कितना हो जाएगा 180 माइनस 60 120, और ये 2 मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में, तो ये सारे एंगल 60 आ गए, तो ये x मेरा 60 आ गया, और ये भी x है तो ये भी 60, सो ऑल एंगल्स आर 60 डिग्री, सो इट इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, लिखो ऑल एंगल्स आर ऑफ, आर ऑफ 60 डिग्री, सो ट्राइंगल ओ ए बी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक। अब मैं इस फॉर्मूले को यूज कर सकता हूं, अब मेरा काम हो गया सारा, मेरे पास एंगल भी आ गया और इसको इक्विलेटरल भी प्रूव कर दिया। तो अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होगा, अब इसको मैं रब कर दूं, आपको कुछ नहीं करना, आपको इसके नीचे काम करना है, ठीक। चाहे तो इस फॉर्मूले को दोबारा लिख लेना इसके नीचे, और फिर आगे शुरू कर देना जैसे मैं अब करूंगा, ठीक। मैं तो इसको रब कर रहा हूं क्योंकि स्पेस की कमी हो रही है, क्लियर।
एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होगा, थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओएबी जो इक्विलेटरल अभी प्रूव किया अंडर रूट 3 बाय 4 साइड का स्क्वायर, साइड क्या है इसकी 28, तो 28 का स्क्वायर, थीटा की वैल्यू 60 अपॉन 360 इनटू पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस कितना 28 इनटू 28 माइनस अंडर रूट 3/4 अंडर रूट 3 मुझे लेना 1.7 तो अंडर रूट 3 मुझे लेना 1.7/4 28 इनटू 28। ठीक है अब इसको सॉल्व कर दो आगे, 0 से 0 कट, 6 6 जा 36 7 4 जा 28 2 1 जा 2 2 3 जा 6 और कोई नहीं कट रहा किसी से भी, तो ये आ जाएगा 11 4 जा 44 44 इनटू 28 8 4 जा 32 32 और 3 35 2 4 जा 8 और 2 4 जा 8 2 8 और 5 13 8 और 1 9 12 सो ये आ गया 1 2 3 2 by 3। अब इसे सॉल्व करो, ये 2 कट जाएगा तो नीचे 0 आ जाएगी, क्लियर। अब इसको 2 से कट करो, 2 1 जा 2 2 4 जा 8 2 2 जा 4 0 2 7 जा 14 और 2 10 जा 20 2 1 जा 2 2 4 जा 8 2 5 जा 10 अब कोई किसी से नहीं कट रहा तो ये कितना हो जाएगा 14 7 जा 28 98 98 की गुणा करो 17 से 7 8 जा 56 5 9 7 जा 63 63 और 5 68 इनटू 98 6 8 और 8 16 ये आ गया 6 166 अपॉन 5। अब इन कैल्सियम ले दो, एलसीएम आएगा 3 5 जा 15 तो इसको किससे गुणा करना पड़ेगा 5 इनटू 1 2 3 2 माइनस 5 से डिवाइड करोगे तो बचेगा 3 तो इसको गुणा करना पड़ेगा 3 से, ये आ गया 5 2 जा 10 कैरी 1 5 3 जा 15 और 1 16 कैरी 1 5 2 जा 10 और 1 11 कैरी 1 5 1 जा 5 और 1 6 6 1 6 0 माइनस 3 6 जा 18 कैरी 1 3 6 जा 18 और 1 19 कैरी 1 3 6 जा 18 और 1 19 कैरी 1 3 1 जा 3 और 1 4 बाय 15। अब इसको माइनस कर दो, 6160 4998 10 में से 8 गया 2 अब यहां बचे 15 15 में से 9 गए 15 में से 9 गए तो कितना बचेगा 6 यहां 10 में से 9 गए 1 और 5 में से 4 गए 1 161162 बाय में 15। तो ये तो आ गया एक डिजाइन का एरिया, टोटल कितने डिजाइन है 1 2 3 4 5 6 तो एरिया ऑफ सिक्स डिजाइंस इज इक्वल टू 1162 बाय 15 इनटू 6। अब इसको 3 से काट दो, 3 2 जा 6 3 5 जा 15 ये आ गया 1162 इनटू 2 इनटू 2 बाय 5 तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 2 2 जा 4 2 6 जा 12 कैरी 1 2 1 जा 2 और 1 3 2 1 जा 2 बाय 5 ये आ गया मेरा इन टोटल 6 डिजाइंस का एरिया, समझ आया। अब मेरे को निकालनी है कॉस्ट, अच्छा 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है 0.35 रुपीस, तो इतने मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी लिखो नीचे कॉस्ट ऑफ डिजाइन, कॉस्ट ऑफ मेकिंग दिस डिजाइन, कॉस्ट ऑफ मेकिंग दिस डिजाइन इज इक्वल टू, ये है 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट तो इतने मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी इनटू में 0.35 2324/5 इनटू 0.35 पॉइंट हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा, 5 से ये कट गया 5 1 जा 5 5 7 जा 35। अब 2324 को 7 से मल्टीप्लाई कर लो, 2324 को 7 से 7 4 जा 28 7 2 जा 14 और 2 16 7 3 जा 21 और 1 22 7 2 जा 14 और 2 16 ये आ गया 16268 16268 बाय में 100 है तो 2 डिजिट आगे पॉइंट आ जाएगा, ये आ गया 162.68 रुपीस कॉस्ट की ना ये। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 13, क्लियर।
पहले एक सेगमेंट का एरिया निकाल दिया इनटू में सिक्स कर दिया तो टोटल एरिया ऑफ डिजाइन आ गया क्लियर। तो टोटल एरिया ऑफ सिक्स डिजाइन मेरा आया था ये। अब एक मीटर स्क्वायर को बनाने की कॉस्ट है इतनी, तो इतने मीटर स्क्वायर को बनाने की कॉस्ट कितनी होगी, दिस इनटू में 0.35 क्लियर, गुणा कर दिया तो मेरा आंसर आ गया 162.68 रुपीस। ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 13। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 14। टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल पी इन डिग्रीज ऑफ अ सर्कल विद रेडियस आर। मुझे एंगल दिया हुआ है पी और रेडियस दिया हुआ है आर किसी सर्कल का। ये एंगल मुझे दिया हुआ है पी और रेडियस दिया हुआ मुझे आर। तो इसने क्या पूछा हुआ है कि एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, तो इसका एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, ये क्वेश्चन नंबर 14 है। सो एरिया ऑफ सेक्टर होगा मेरा, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है ना। तो इसमें थीटा कितना गिवन है मुझे, पी पी बाय 360 इंटू में पाई और रेडियस आर, तो कैपिटल आर स्क्वायर। अब मेरे ऑप्शन चेक करो, पहला ऑप्शन गिवन है मुझे पी बाय 180 इंटू में 2 पाई आर, पी बाय 180 इंटू में 2 पाई आर, पी बाय 180 इंटू में 2 पाई आर। ये तो कैसे भी नहीं हो सकता देखो, क्योंकि आर स्क्वायर चाहिए था मुझे, तो इसमें तो आर स्क्वायर ही नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो गलत हो गया, कोई दिक्कत। अब सेकंड ऑप्शन चेक करो, पी बाय 180 इंटू पाई आर स्क्वायर, देखो पी पाई और आर स्क्वायर और नीचे 360, नीचे 180 है इसमें, तो ये भी नहीं हो सकता कैसे भी, समझ गए ना, ये होना चाहिए ये। थर्ड ऑप्शन चेक करो, थर्ड ऑप्शन पी बाय 360 इंटू में 2 पाई आर, इसमें भी आर स्क्वायर नहीं है, मुझे आर स्क्वायर चाहिए, आर ही स्क्वायर नहीं है, तो ये भी कट। अब फोर्थ ऑप्शन को चेक करो, फोर्थ ऑप्शन क्या कि मैंने मुझे पी बाय 720 इंटू में 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहां देखो पी भी गिवन है मुझे, 2 नहीं होना चाहिए, पाई भी गिवन है और आर स्क्वायर भी गिवन है, तो 2 को कट कर दो, 2 1 2 2 3 6 2 6 12 0, तो 2 हट गया ना, बचा क्या पी बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, वो तो आपको कंफ्यूज करने के लिए गिवन था, बाकी है ये। सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट, समझ गए। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 14 और क्लास इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज यहीं पे खत्म होती है। होप आप सबको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे, अगर आपको समझ ना भी आए हो तो प्लीज एक बार इस वीडियो को दोबारा रिपीट करके देखिए, सारा समझ में आ जाएगा, क्योंकि कई बार होता है कि कई बार हमें एक बार में कोई चीज समझ नहीं आती, तो आप दोबारा सुनोगे तो अच्छे से आ जाएगी समझ में, और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम रहे तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। सो थैंक यू सो मच।